Hello friends, welcome you all on this channel. I am Robin. Friends, please subscribe my channel and press the bell icon so that you get updates about upcoming videos. और हाँ friends, आप अपना feedback जरूर comment box में लिखे हैं, ठीक है? तो चलिए हम इस session को start करते हैं एक नए topic के साथ जिसका नाम है inductive effect. ये काफी important topic है, ठीक है? ये एक governing effect है. और जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा, वहां से हमें ये पता चला इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी है, ठीक है? अभी हम इस सेशन में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, जहां उसके बाद हम जानेंगे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के बारे में, और उसके बाद हम इससे भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है? वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपको समझना कि आखिर इंडक्टिव इफेक्ट को हम यूज कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. इसका बहुत एप्लीकेशन पार्ट होता है, जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा. जैसे इसका जब हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर पता करने में हम इसका यूज कर सकते हैं, हम बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स का पता करने में यूज कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें भी हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, हम सबसे बड़ी बात स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन को भी पता करने के लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है? तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या. चलिए मैं एक एक पॉइंट मैं पहले लिखाता चलता हूँ, उसके बाद आपको पॉइंट समझाता चलूंगा. यहाँ पे आप लोग भी नोट करते चलिएगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंसीडर हम लोग करेंगे, कंसीडर अ चैन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है? आप लोग भी लिखते चलो, कंसीडर अ चैन ऑफ कार्बन एटम्स विथ. अब देखिए कार्बन एटम का हम लोग चैन एक कंसीडर करेंगे, लेकिन उसके साथ हम एक ऐसा ग्रुप या फिर एक ऐसा एलिमेंट को कंबाइन करेंगे जो कार्बन एटम से जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो. इस केस में हम क्लोरीन को ले रहे हैं क्योंकि क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन एटम से ज्यादा है, ठीक है? तो यहां पे हम क्लोरीन को मतलब एज अ एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाएंगे, ठीक है? तो यहां पर हम इसलिए इसको क्या करते हैं, आगे आप लोग लिखो, विथ अ क्लोरीन एटम, ठीक है, ज्वाइंड, जो कहां ज्वाइंड है, ज्वाइंड टू द एंड कार्बन एटम, ठीक है? अब ऐसा हम ले लेते हैं. अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे तीन कार्बन का एक चैन ले लेते हैं, C3 हो गया, ये कंबाइन है C2 फिर C1 और यहां पे सबसे लास्ट में जो एंड में वहां पे हम क्लोरीन को कंबाइन करेंगे, ठीक है? अब यहां से एक बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से अधिक है, तब ये अब करेगा क्या. अब इसके बाद अब ये सोचना है कि जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो अब ये करेगा क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. अब देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां पे C1 कार्बन जिसे ये कंबाइन है इससे ज्यादा है, तो यहां पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है जो क्लोरीन और C1 के बीच किया गया है, उस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है? और अपनी तरफ खींचने के बाद यही स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा, या आपको ऐसा बन जाएगा. जब अपनी तरफ खींचेगा तो स्वाभाविक है क्लोरीन पे कुछ स्मॉल नेगेटिव चार्जेस आने लगेंगे और C1 पे क्या हो जाएगा, इस जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स सारे मूव करने लगेंगे क्लोरीन की तरफ तो C1 पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये कैसा हो जाएगा, तो उसके बाद चेंज होके कैसा हो जाएगा, C1 इस पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा और ये फिर Cl डेल माइनस आ जाएगा, ठीक है? अब फ्रेंड्स इसी बात को हम लिख लेते हैं, आप नोट भी करते चलिए, आपका एक नोट्स भी बनते रहना चाहिए. इसको आप हम आगे लिखेंगे ऐसे कि एज क्लोरीन एटम हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
फिल्म नेगेटिविटी किससे? देन द कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स से। तो अब क्या होगा, अब यहां पे आप इसको नोट कर लो। तो चलिए फिर कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद, इसके बाद क्या होगा? तो अब नेक्स्ट क्या होगा आप लोग खुद सोच के बताना। यहां पे फिर क्या हो जाएगा, अब क्या करेगा, क्लोरीन एटम जो है, क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसके बीच, बिटवीन किसके, किसके बीच थे, बिटवीन सी वन एंड सी एल, ठीक है, किसके बीच थे, सी वन और सी एल के बीच क्या करेगा, टुवर्ड्स अपनी तरफ खींचेगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, ये हो गया। अब उसके, अब इसके, इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, एज ए रिजल्ट, मैं जो बता रहा हूं ये चीज आप देखोगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आप इसको ऐसे भी रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके परिणाम क्या होंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्लोरीन एटम एक्वायर्स, क्या करेगा, एक्वायर्स अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, उस पर एक छोटा सा स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, वही डेल माइनस। अब उसके बाद क्या होगा, एंड सी वन, एंड सी वन एक्वायर्स अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, डेल प्लस, कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, सी थ्री सी टू सी वन, इस पे हो जाएगा डेल प्लस, फिर यहां हो जाएगा क्लोरीन, इस पे हो जाएगा डेल माइनस, ठीक है। तो मैं यहां तक आपको पॉइंट सारे क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब क्या है, अब आपको खुद देखना है, यहां पे अब खुद आप देखो, यहां नेगेटिव था अब यहां पॉजिटिव हो गया, अब आपको सी वन और सी टू के बी को देखना है, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज क्या पाओगे कि C1 जो है वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा, अब C1 और C2 के बीच ये जो है, रुकिए दिखाता हूं मैं, C1 और C2 के बीच ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव C1, तो अब क्या करेगा, ऑब्वियसली इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ये तो इधर गया तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और प्लस है और फिर इस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ओवरऑल नियरली लगभग लगभग क्या होगा, ऑलमोस्ट ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कौन, सी वन हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर सी वन और सी टू के बीच में, तो सी वन ले गया अपनी तरफ, तो सी टू क्या हो गया, सी टू पे फिर क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यही बात को मैं लिख देता हूं, अब क्या हो जाएगा, यहां पे C3 हो जाएगा, फिर C2 हो जाएगा, फिर C1 हो जाएगा और फिर Cl हो जाएगा, ठीक है। यहां पे तो ये तो डेल माइनस था, तो अब ये तो डेल माइनस हो गया, ये डेल प्लस था, अब ये दोनों के बीच देख रहे थे। अब आगे आप लोग लिखो कि यहां पे क्या होगा कि C1 इज, ये क्या है, C1, C1 क्या है, इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या करेगा, ऑब्वियसली C1 और C2 के बीच जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इट अट्रैक्ट्स, लिखो आप आगे, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर, शेयर किसके, किसके बीच में शेयर था, C1 और C2 के बीच में शेयर्ड बिटवीन C1 एंड C2, ठीक है। अब क्या होगा, C1 और C2 टुवर्ड्स इटसेल्फ, कौन, C1 अपनी तरफ ले लेगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अब देखिए, अब फिर क्या होगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ हो गया वो अपनी तरफ, अब उसके बाद फिर चेंजेस क्या होंगे,
तो इसके कारण क्या होगा, ये आप अब ऐसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसके बाद क्या होगा, दिस कॉजेस, कंटिन्यू करो आप लोग, दिस कॉजेस, यहां क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, सी टू जो है, सी टू टू एक्वायर, सी टू टू एक्वायर, यहां क्या हो जाएगा, सी टू टू एक्वायर अ स्मॉल, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन फेर ये ले लिया, तो ये नेगेटिव चार्ज गया, पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या हो गया, लगभग लगभग सी वन को न्यूट्रलाइज कर दिया, अब यहां का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे ऑब्वियसली क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी दिस कॉजेस, अब दिस, अब इसके आगे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप बीच में आप यहाँ पे लिख लो, दिस कॉजेस सी टू, सी टू हो जाएगा ना, सी टू टू एक्वायर अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब लेकिन एक एक बात और हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसी कारण इंड्यूस्ड हो रहा है। अब यहां से, अब एक बार इलेक्ट्रॉन यहां से इस पे गया, फिर यहां का इलेक्ट्रॉन इस पे आया, तो इसका जो हो जाएगा, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सी वन के कंपेरिजन में कम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे आप इस पॉइंट को। तो यही चीज इसको लिखना है कि यहां पे तो ये हो गया कि यहां पे सी टू जो है वो एक्वायर करेगा एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, बट द चार्ज, लेकिन अब यहां पे यही आपको कंटिन्यू करना है, बट द चार्ज, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, बट द चार्ज, चार्ज जो हो जाएगा आपका इज स्मॉलर, वो कम हो जाएगा, इज स्मॉलर देन देन द चार्ज, देन द चार्ज, देन द चार्ज क्या हो जाएगा, देन द चार्ज ऑन सी वन, सी वन के कंपेरिजन में, ठीक है। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस मेरी सारी बातों को इजिली समझ पा रहे हो, ठीक है। अबे ये हो जाएगा सी वन, अब सी वन क्या है, मैंने बताया प्लस है, अब यहां से नेगेटिव लिया, सी वन क्या है, अब देखिए यही सी वन के बारे में हम लिख देंगे थोड़ा सा, सी वन विच इज नाउ, विच इज नाउ, जो लगभग लगभग मतलब आप मान सकते हो ऑलमोस्ट, ये क्या हो गया, विच इज नाउ ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज, ये पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया, यहां तक क्लियर होगा। अब यहां ये न्यूट्रलाइज हो गया, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए न्यूट्रलाइज होके तब वो कैसा फॉर्म बनाएगा, तो अब जरा आप लोग भी अपना दिमाग चलाते रहो, आप लोग सोचो अब क्या होगा। तो यहां पे ये यह हो जाएगा सी थ्री है, फिर सी टू है, फिर सी वन है, और यहाँ पे क्लोरीन है, ये तो भैया डेल नेगेटिव के साथ बना रहेगा, ये लगभग लगभग न्यूट्रलाइज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल डबल प्लस इसलिए लिख दिए क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज था उससे भी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, इसलिए, और मतलब सी वन से कम होगा, ठीक है, इसलिए डेल डबल प्लस लिख दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किधर मूवमेंट कर ले रहा है, इस केस में क्लोरीन की तरफ गया, इस केस में सी वन की तरफ गया, और अब यही प्रोसेस जो क्या होता है, सिमिलर प्रोसेस क्या होगा, फिर सी टू से सी थ्री की ओर जाएगा, ठीक है, तो वो चीज आप समझ गए होगे। अब यहीं पे आप लिख दो कि यही टाइप, इसी पे लिख दो, दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह का जो दिस टाइप ऑफ क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर का ही तो हो रहा है, जैसे हमने देखा कि सीएल और सी वन के केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और क्लोरीन की तरफ जा रहा है। सी वन और सी टू के केस में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो सी वन की तरफ जा रहा है, और सिमिलर केस आगे बढ़ेंगे तो यही होगा क्या, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये सी टू की तरफ जाएगा, तो इसी को अब लिखेंगे दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का ही तो पूरा डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अलोंग कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन के ही अलोंग हो रहा है, ठीक है, कार्बन चेन में ही चल रहा है सारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कार्बन चेन, अलोंग द कार्बन चेन, अलोंग द कार्बन चेन, अलोंग द चार कार्बन चेन इज टर्म एज, इज टर्म एज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट,
ठीक है। तो हमने तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये समझ में आ गया होगा। वैसे मैं एक बार फिर से कह देता हूं कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कार्बन चैन लिया, कार्बन चैन जिसमें हमने 3 कार्बन एटम ले लिया। उसके बाद हमने एक ऐसा ग्रुप या फिर एक ऐसा एटम से जोड़ा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरीन को ले लिया। फिर क्लोरीन और कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या हो गया, क्लोरीन जो है वो क्लोरीन और कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर था उसको अपनी तरफ खींचा, और इसके कारण ये क्या हो गया, क्लोरीन डेल माइनस चार्ज, स्मॉल मतलब नेगेटिव चार्ज कैरी कर लिया। और फिर इस पे क्या आ गया, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी डेल प्लस आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ डेल प्लस आ गया तो इस केस में क्या हुआ, C1 और C2 को जब हमने देखा तो यहाँ से ये पता चला कि इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये इसको C1 ने अट्रैक्ट किया क्योंकि ये पॉजिटिव था और यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव है और इस पे ऑलरेडी कैरी पॉजिटिव है, तो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज कर गया, तो C1 न्यूट्रलाइज कर गया और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट C2 से C1 की तरफ गया। अब सिमिलरली जो यहाँ से यहाँ वही केस C2 से C3 में भी होगा। तो इसी तरह का जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पूरे कार्बन चेन में, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये कैसा इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है। आप लास्ट सेशन याद करो जब मैंने कैटेगराइज करके आपको बताया था कि ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमने दो टाइप बनाया, एक परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में जहां हमने 4 टाइप बनाया था, एक इंडक्टिव इफेक्ट, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर रेजोनेंस, और फिर मैंने और दूसरा टाइप जो था वो परमानेंट टेम्प्रोरी था, उसमें मैंने इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात किया। तो अब आपको मुझे लगता है जब फर्स्ट पार्ट मैंने उठाया इंडक्टिव इफेक्ट, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब आखिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का ही क्यों पार्ट है। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही तो मूवमेंट हो रहा है पूरे कार्बन चेन में, ठीक है। तो यही हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, वो क्या है, वो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा वर्क करता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हमेशा वर्क करेगा सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड पे ही इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। पाई बॉन्ड जहां आया वहां इंडक्टिव इफेक्ट नहीं वर्क करेगा, वहां आपका रेजोनेंस ये सब वर्क करने लगता है, ठीक है। अब ये अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा उस थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि जो सिग्मा बॉन्ड जो है इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब कार्बन कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो, ठीक है, और जब डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो तब क्या हो जाता है, उसको कहते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड में क्या हो जाएगा, देखो ये पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था तो सिग्मा हो गया, और फिर दूसरा इसी में सेकंड आ गया तो ये हो गया पाई, और यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी आप जान लो। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, पहले पहला पहला कार्बन कार्बन पहले सिग्मा, फिर क्या हो जाएगा डबल पाई और फिर सिग्मा, ठीक है। तो ये हो जाता है पाई बॉन्ड डबल, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो, और जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ हो तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आप हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है, पाई बॉन्ड पे नहीं। इसी कारण तो मैंने एक आप अब इसी चीज को कोरिलेट कर लो, कैसे, मैंने यहां पे अभी एग्जांपल बताया C3 C2 C1 और यहां पे क्लोरीन लिया था। अब क्या यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा था, हाँ कर रहा था। अब क्यों किया, तो क्योंकि यहां सारा कार्बन का जो स्केलेटन है वो सब क्या है, सिंगली बॉन्डेड है, तो कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है। अब मैंने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे ही काम करता है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है वहां काम करेगा, वहां पे रेजोनेंस काम करने लगेगा, ठीक है। रेजोनेंस को हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ 3 बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है वो आप जरूर नोट कर लीजिए, और इसे नोट ही नहीं कीजिए बल्कि इसे मतलब बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या काम करेगा कि हमेशा ये क्या होगा, हमेशा ये सिग्मा बॉन्ड पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, ये कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है।
और तीसरी बात जो हो जाएगी वो हो जाएगी कि आपने देखा कि जैसा थ्री कार्बन्स के बाद होता क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट, लगभग लगभग इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है, मतलब जो कार्बन चेन जो मैंने तीन कार्बन एटम का लिया, उसके तीन कार्बन एटम के बाद लगभग लगभग इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है वो लगभग लगभग नेग्लिजिबल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि जब C1 कार्बन पे जो डेल पॉजिटिव था, यानी जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज था, वो सी टू के पॉजिटिव चार्ज से अधिक था। जैसे अभी देखा ना आपने कि C1 जो वही था, ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज था, उसका अधिक मैग्नीट्यूड था किससे, C2 पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आप नोट कर लो कि ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इसका इफेक्ट क्या होता है, कमता जाता है, डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय द डिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कमता जाएगा। ठीक है, डिक्रीजेस बाय डिस्टेंस। ठीक है, ये तीन बातें हो गई। अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए यहां पे मैंने एक कार्बन, यहां पे फिर हम एक कार्बन चेन लेते हैं। ठीक है, और इसको एक, और इसके लास्ट में हमने एक, इसको एक क्या किया, एक ग्रुप से अटैच कर दिया। ठीक है, जिसको हमने X1 कहा, और फिर हम दूसरा दूसरा कार्बन चेन लेते हैं जिसको हम X2 ग्रुप से अटैच कर दिया। ठीक है, अगर अगर X1 ग्रुप, ये जो X1 ग्रुप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है। ठीक है, इट मींस क्या कि अगर X1 जो है ये क्या हो, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, यानी छीन ले, किससे छीन ले, कार्बन कार्बन चेन से छीन ले, और कार्बन से छीन के अपने पास रख ले। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये अगर ये X1 जो है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप मतलब अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप, अगर यहाँ X1 इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस आई इफेक्ट। कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। और सेकंड केस में देखें, अगर X2 जो है ये बेचारा क्या करेगा, ये फर्स्ट वाला बहुत ये था, बहुत निर्दयी था, इन्होंने इन्होंने कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया।